सन 1990 में एक ऐसी जगह जो एकदम बंजर थी, धूल मिट्टी पानी तक का पता नहीं था, चारों तरफ रेत ही रेत और रेगिस्तान फैला हुआ था, वह आज के समय में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी, वहां पर आज की डेट में हर साल 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। बड़े बड़े फाउंटेन और कैनल आज की डेट में बहुत तेजी से बन रहे हैं। जहां कभी रेत हुआ करती थी, आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट है। ये कहा जाता है कि रेत के ऊपर नॉर्मल बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खड़ा कर दिया। यहां की पुलिस लंबोर्गिनी और फेरारी जैसी सुपर कार्स में चलती है। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं दुनिया के किस देश की बात कर रहा हूं। अब आपको लग रहा होगा इनके पास बहुत सारा ऑयल भंडार होंगे, इसलिए ये सब मुमकिन कर पा रहे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। इनकी GDP का मात्र 1% हिस्सा ही तेल से आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, और ऐसी क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वह नहीं कर पा रहे हैं और दुबई कर लेता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज जो दुबई है, उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ भी नहीं था इस एरिया पर। अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे। इस एरिया को शेखदोम कहा जाता था। आज जहां पर दुबई है, उस समय इसको मछुआरों का गांव कहा जाता था, जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मकटूम बिन राशिद ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था। इन्हीं को दुबई का फाउंडर कहा जाता है। अभी भी दुबई के जो रूलर है वह इसी खानदान से आते हैं। दुबई का एरिया फिशिंग से बढ़कर मोती की बिजनेस के लिए फेमस हुआ, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत बदली थी जब शेख शाहिद बिन सईद दुबई के रूलर बने। इन्होंने दुबई को गांव से निकालकर एक चमकता शहर बना दिया। सन 1929 में यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से वह बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, और वहां से आते ही उन्होंने डिसाइड किया कि दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो पूरी दुनिया में फेमस होगा। दुबई ईरान, इराक, सऊदी और कतर के बीच में है। साथ में ये रास्ता एशिया, अफ्रीका, यूरोप को भी कनेक्ट करता है। इसीलिए दुबई की जो स्थिति थी वह बहुत ही अच्छी जगह पर थी। इसी को ध्यान में रखकर शेख राशिद ने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा पैसा लगाया। जो भी पैसा आ रहा था वे इन्हीं सब चीजों पर लगा रहे थे, जिसको लेकर इनका काफी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, जिसकी दिक्कत पड़ रही थी। इसके बाद सन में दुबई में तेल निकलता है, लेकिन काफी कम निकलता है। शेख राशिद को यह पता था कि यह तेल ज्यादा दिन तक नहीं साथ देगा, और इससे जो पैसा आ रहा था वह इन्हीं सब कामों पर खर्च कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम पर एक लाइन भी कही थी जो आज भी काफी फेमस है। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे। मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसके आने वाला बेटा दोबारा से ऊंट चलाएगा। इसीलिए वे दुबई को ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो सिर्फ तेल पर डिपेंड न रहे। सन 1990 में शेख राशिद ने सोचा कि पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म के लिए दुबई आए, ताकि दुबई और आगे बढ़े। लेकिन होटल्स वगैरह होने के बाद भी दुबई में लोग आ नहीं रहे थे। इसका हल निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज को और ऐड किया, जो पूरी दुनिया में फेमस और पॉपुलर चीजें थी उनको और बड़े स्तर पर करके दुबई के अंदर लाया गया। सन 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा होटल था, जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था। लेकिन ये होटल सही से चलता, इसी बीच सन 1999 में ही शेख राशिद की डेथ हो जाती है। उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई के प्रिंस बनते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अपने पिता की तरह ही थे। उन्होंने दुबई को और तेजी से आगे बढ़ाया और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। जिस रेत में एक कमरा बनाना मुश्किल काम था, वहां पर दुनिया के बड़े बड़े नामी आर्किटेक्ट को बुलाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्किल की लाइन लगा दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भरकर उसमें पूरी सिटी बना दी गई। यह सिर्फ सपने में ही सोचा जा सकता था, लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए, और ये सब चीजें जब बन रही थी तब पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उसके लिए दुबई ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, जिसमें समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया गया, और जो पानी की समस्या थी उसे भी दूर कर दिया था।
दुबई ने कुछ समय बाद ही पूरी कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया, जिसके कारण बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर किसी भी छोटे व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स और बिजनेस सब दुबई में शिफ्ट कर दिया। दुबई दिखने में तो एक मॉडल सिटी बन गई है, लेकिन रेगिस्तान की रेत को एक बड़े से शहर में बदलना एक चमत्कार से कम नहीं है।